मात्स्यिकी महाविद्यालय छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत कवर्धा जिला कबीरधाम में संचालित है। मात्स्यिकी महाविद्यालय में प्रमुख 5 विभाग हैं, जिसमें मत्स्य प्रसंस्करण एवं दोहन भी एक है। मूल्यवर्धन मत्स्य प्रसंस्करण की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। छोटे आकार एवं कम स्वादिष्ट होने के कारण बाजार में जिन मछलियों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, उनका सामान्यतः मूल्य संवर्धन किया जाता है। ऐसी मछलियों से कई प्रकार के स्वादिष्ट मूल्यवर्धक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इन उत्पादों को बाजार में अधिक मूल्य पे बेचा जा सकता है। मूल्य संवर्धन की यह तकनीकी छोटे पैमाने के मत्स्य पालक एवं महिलाओं की आजीविकाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस वीडियो में मछली से बने हुए कुछ मूल्यवर्धित उत्पादों को बनाने की विधि का वर्णन किया गया है, जिससे मछली खाने वाले एवं मछली के व्यवसाय से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे। मछली का अचार बनाने के लिए सर्वप्रथम हम ताजा एवं स्वस्थ मछली का चुनाव करते हैं। ताजा मछली को निम्न प्रकार से पहचाना जा सकता है। सबसे पहले मछली के गलफड़े का रंग गहरा लाल होना चाहिए एवं मछली की आंखें धसी हुई नहीं होनी चाहिए। मछली के सल्क चमकीले एवं गीले होने चाहिए। ताजा एवं स्वस्थ मछली के चुनाव के बाद मछली के फिलेट को निम्नानुसार तैयार किया जाता है। मछली के फिलेट तैयार होने के बाद चमड़ी को सावधानी पूर्वक अलग किया जाता है। चमड़ी निकाले हुए फिलेट को छोटे छोटे समान आकार के टुकड़ों में काट लिया जाता है। मछली के समान आकार के बने हुए टुकड़ों को आवश्यक सामग्री में मिला लिया जाता है। आवश्यक सामग्री निम्नानुसार है। मछली के फिलेट या कतले 1 किलो, सरसों या राई 4 ग्राम, मेथी 4 ग्राम, लहसुन छिला हुआ 100 ग्राम, अदरक 25 ग्राम, हरी मिर्च 30 ग्राम, मिर्ची पाउडर 30 ग्राम, हल्दी पाउडर 5 ग्राम, जीरा पाउडर 30 ग्राम, नमक 80 ग्राम, चीनी 5 ग्राम, रिफाइंड तेल 1 लीटर, सिरका 300 मिलीलीटर, बेंजोइक अम्ल 250 मिलीग्राम। मछली के टुकड़ों में आवश्यक मात्रा में नमक और हल्दी को अच्छे से मिलाकर लगभग 1 घंटे तक रख दिया जाता है। इसके बाद मछली के टुकड़ों को गरम तेल में हल्का सुनहरा होने तक तल लिया जाता है। टुकड़ों को तलने के पश्चात सभी आवश्यक मसालों का मिश्रण गरम तेल में डालकर अच्छी तरह से पका लिया जाता है। पके हुए मिश्रण में एक समान मांस के टुकड़ों को डालकर अचार तैयार कर लिया जाता है। ठंडा होने के बाद अचार में सिरका एवं बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है। ठंडा होने के बाद अचार को रात भर परिपक्व होने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रकार मछली का अचार तैयार किया जाता है एवं बने हुए अचार का अलग अलग साइज के डिब्बों में पैक करके रख दिया जाता है एवं बाजार में बेचा जा सकता है। इस प्रकार बने हुए मछली के अचार को सामान्यतः कमरे के तापमान पर लगभग
चार से पांच महीने तक रखा जा सकता है एवं रेफ्रिजरेटर में छह से सात महीने तक रखा जा। मछली के अचार के साथ साथ कुछ अन्य मूल्य वर्धित उत्पाद जैसे मछली कटलेट, मछली पापड़, मछली चकली, मछली सैंडविच, मछली की सब्जी, मछली की फिंगर, मछली बिरयानी, मछली कुरकुरे, मछली की मंगोड़ी, मछली के समोसे इत्यादि मूल्य वर्धित उत्पाद भी मछली से तैयार किए जाते हैं एवं इनका प्रशिक्षण भी दिया जाता है।